फैमिली, स्वागत है आप सभी का फियर ब्रदर्स के एक और नए ब्लॉग में। और अभी बहुत सारा अपडेट चल रहा है घर में। सबसे पहला अपडेट आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए किसके लिए है पप्पा ये बेड, माँ के लिए। तो फाइनली मेरे नानी घर पर रहने के लिए आ रहा है, तो उनके लिए बेड हमने ला कर रखा है। तो उनको आराम से सोना है या फिर खड़े होना है, तो उनका सब सेटिंग मस्त हो जाए। मम्मी तो बहुत खुश हो रही होंगी ना। मेरी मम्मी आ रही है, और वो भी इतनी एज हो जाने के बाद हमारे घर पे रहने के लिए, तो भाई वो बहुत बड़ी बात होती है। जो कभी भी नहीं आई मेरे घर, है ना, आज हाँ। तक कभी भी नहीं। लेकिन है ना, नानी की इच्छा है कि उनको उनकी लड़कियों के घर पे थोड़े थोड़े दिन रहना है। तो मेरे सबसे जो बड़े मासी है ना, ऑलरेडी उनके घर पे तो वो है, तो अभी वहाँ से यहाँ आने वाला है। मैंने सब एम्बुलेंस का सेटिंग भी कर लिया है, तो वहाँ से वो एम्बुलेंस में यहाँ पर आएंगे, ताकि वो आराम से लेटे लेटे आ सके। कैसे करने का, बुक के अंदर रख के उसको थोड़ा दबा दे, उसका पानी जो है वो सूख जाएगा। क्या कांड किया मम्मी ने? मेरी जेब में 500 का नोट रह गया था। वो कपड़े धोने डाल दिए। वाह मम्मी वाह, बड़े लोगों की निशानी भाई। मेरे पास तो इतना कैश रहता भी नहीं कभी भी। तो आप लोग गूगल पे वाले हो, सूख जाएगा। हाँ। और दूसरा अपडेट ऐसा है कि भाई मेरे रूम में एसी पिछले 3-4 दिन से बहुत परेशान कर रहा है। तो रिद्धि अभी इधर सोई हुई है। वैसे एसी कूलिंग तो ज़बरदस्त देता है, गैस ख़त्म हो गया था उसका, लीक हो रहा था, तो वो तो सॉल्व करवा दिया। लेकिन उसके बाद फिर आउटडोर यूनिट जो होता है ना, वो चालू बंद होता रहता है। यानी कि भाई कभी कभी ठंडी हवा आती है, फिर अचानक से बंद हो जाती है, फिर वापस ठंडी हवा आती है, फिर वापस बंद हो जाती है, तो भाई अच्छे से नींद नहीं आती। लेकिन उसका मैंने जुगाड़ ढूंढ लिया है, तो वो जुगाड़ से वो ठंडी हवा तो पूरी रात देता है, लेकिन वो जुगाड़ से काम नहीं चलेगा ना, प्रॉपर तरीके से उसको वर्क करना पड़ेगा ना। तो भाई वो चीज़ के लिए वापस आज वो आने वाले हैं, एसी वाले। तो अभी इसीलिए रिद्धि नीचे सो रही है, पूरी रात तो हम ऊपर ही सोए थे, लेकिन अभी वो रिपेयरिंग के लिए आने वाला है, और रिद्धि की नींद भी नहीं पूरी हुई थी, तो अभी रिद्धि यहाँ पर सो रही है। थोड़ी देर यहाँ पर सो जाएगी, तब तक एसी का काम खत्म हो जाएगा, और फिर सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। भाई अभी मैं और मम्मी पूरा फ्रिज खाली कर रहा है ना, फ्रिज के पीछे से या पता नहीं कहीं से है ना, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। तो भाई वो हमको जांच पड़ताल करनी है कि पीछे कुछ ऐसा कुछ अजीब तो नहीं है ना, शायद कुछ छोटा मोटा चूहा हुआ या कुछ भी जाकर इधर स्वर्ग तो नहीं सीधा गया ना, तो वही सब चेक कर रहे थे। उसके लिए पूरा फ्रिज अभी खाली कर रहा है। बाकी सारी जगह तो मैंने देख लिया, कहीं से समझ में नहीं आ रहा। एक ये जगह ऐसी है जहाँ से मेरे को डाउट लग रहा है। गुड मॉर्निंग रिद्धि। गुड मॉर्निंग। अच्छा आगे बाहर निकली हो? अरे नहीं, यहाँ छे ना, यहाँ लांबू छे ना, तो यहाँ बाहर काढ़ियो छे। तो मम्मी तारी थोड़ो करतो क्यों ई खेचो? तो बस बराबर है, वहां फोल्ड कर। अरे आप फोल्ड करी दो ना अंदर नीचे। हां ई पहले फोल्ड कराओ ना। हूँ करूँ छू। चलो भाई डन। ये जो मैट्रेस है ना, वो इधर इसके नीचे फंसा दिए, ताकि भाई ये ऊपर साइड में स्लिप ना करे, है ना, क्योंकि बाहर था ना तो भाई इजीली स्लिप करता था बेड के ऊपर। हम करते ना ऐसे, ऊपर से डालते ना, तो जब भी सोते ना तो ऐसे ऊपर निकल जाता घड़ी घड़ी। इसके लिए ये बराबर तो फंसा दिया है, तो भाई ये साइड में स्लिप भी नहीं करेगा और मस्त फिक्स रहेगा। वैसे इसके साइड के सपोर्ट्स है ये वाले, यहाँ पर लगते हैं, लेकिन भाई वो इतने ऊपर ऊपर है ना कि अगर सोएंगे ना तो फिर उनको साइड में अगर देखना होगा ना, तो फिर वो सिर्फ सपोर्ट ही दिखेगा, तो इसलिए वो नहीं लगवा है, साइड से खुला ही रखा है। अभी अभी मेरे को एम्बुलेंस वाले भाई का कॉल आया था, वहाँ से उन्होंने बाको पिक कर लिया है, बाके साथ दो मेरे मासी भी आ रहे हैं, तो वो लोग वहाँ से जस्ट निकले हैं, और हम लोग इधर रेडी है उनके स्वागत के लिए। टेंटन क्या भाई, गुड मॉर्निंग। भाई गुड मॉर्निंग नहीं, तो आज पता नहीं रिद्धि और विश्व को भाई क्या हो गया था, तो वो लोग भाई बहुत लेट तक सो रहे थे, उनको पता नहीं नींद ही नहीं पूरी हुई थी, ऐसा कैसा समझ में नहीं आता। ओ हेलो, मेरे को क्या हुआ था आप बताए नहीं, क्या हुआ था? क्या हुआ था? हमारे रूम में एसी नहीं चालू है ठीक से। हाँ मैंने बता दिया एसी गड़बड़ कर रहा है, सब बता दिया। तेरा तो एसी चालू है? नहीं नहीं, वो लाइटें चली गई थी ना अपना। हाँ सुबह। हाँ तो सुबह तो नहीं, लेकिन फिर 2 घंटे नहीं, फिर 3 घंटा में जगा उसी चक्कर में, और फिर भाई 3 घंटा में लेट उठा। चलो भाई इन लोगों का रीजन सुन लिया आपने। एंड बाय द वे, ये पूरा किचन जो हम कर रहे थे ना चेक फ्रिज के पीछे वगैरह, तो भाई पूरा फ्रिज खाली करके हटा के देखा, लेकिन पीछे कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एक मिनट, इधर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, पूरी चिमनी खोल के मैंने क्लीन की, तो भाई फाइनली हमने देख लिया, तो गड़बड़ कहीं पर भी नहीं है, शायद बाहर से ही आ रही है। सैलेड से ज्यादा तो सेव ले ली मीशो तूने। क्या ये देखना, अभी मैं मिक्स करूंगा उसके बाद देखना। क्या कुछ भी तू बोलता है यार भाई। मेरे को ऐसे इमली करनी है तेरी। देख अभी कैसा है,
और भाई मैं ये ऐसा क्यों खा रहा हूँ पता है, अभी मैं लंच भी नहीं करता हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ी सेव डालता हूँ कि थोड़ी एनर्जी मिले। ओ मैं तो टेस्ट के लिए डालता हूँ। नहीं भाई मुझे तो एनर्जी मिले इसीलिए। हाँ मुझे चाहिए सैलेड। तो चाहिए ना। रिद्धि क्या कर रही है? वो बाबा का केबल ढूंढ रही है। केबल बेड के नीचे थोड़ी होगा। वो लोग वो बैग लेके गए थे ना अभी, गए थे तो हाँ। एक में नहीं लेके नहीं गए थे पापा, वो वाली वॉच पहन के गए थे। उधर नहीं होगा, उधर क्रूज क्रूज में तो वो अपनी वो केशियो वाली बोतल लेकर गया था, पता नहीं पापा है ना वो। नहीं पटवा गया। अरे ये रहा, ये क्या है? है तो सही ये। हाँ मेरे को बोलो ना। मैंने बोला ना पापा है ना हमेशा ऐसा करते हैं, उनके सामने चीज होती है ना फिर भी पापा पूरे घर को भगाते हैं कि इधर ढूंढो उधर ढूंढो। और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि वहां पे तो है ही नहीं। मैं वो जो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना, मैं वहां ही जाके देखती हूँ। मुझे बहुत दस बारह ऐसी चीजें मिली है कॉन्फिडेंस वाली। ये लो पापा। हाँ अभी चार्जिंग में रख दो। पापा पूरे घर को भगा दे, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, सब जगह ढूंढ लिया, फिर वापस इधर रखते उधर आके देखा तो उधर ही था। मेरे साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज मैंने रखी होती है ना, मुझे लगता है नहीं मिली, मुझे नहीं मिल रही नहीं मिल रही, बट लास्ट में ना वहां से ही मिलती है वो चीज जहां मैं रोज रखती हूँ वहां से ही। होता है सबके साथ होता है। बट इसका चलो भाई इन लोगों के अलग लेवल के प्रॉब्लम है। सबका अलग अलग लेवल होता है ना प्रॉब्लम्स का। तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है? हाँ है ना। क्या पतला नहीं हो रहा हूँ मैं? पतला नहीं हो रहा है, विशु भाई पतले ही हो गए हो पापा। भाई अभी मैं तो सैलेड खा रहा हूँ, लेकिन मम्मी और रिद्धि बाका मेन्यू अभी से डिसाइड कर रहा है। बाको क्या अच्छा लगता है? बाको ढेबरा, ढोकड़ा, हांडवो, मुठिया, ऐसे चीजें सब पसंद है। इंसर्ट मेरे जैसे, मेरे को कैसे ढोकड़ा ओकला पसंद है, तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ। मम्मी ने बोला कि कल हम ढोकला बनाएंगे, तो मैंने बोला इतना बड़ा वो खीरा बनाएंगे हम, इतना बड़ा डिब्बा भर के, क्योंकि हम लोग जो घर के लिए बनाते तभी इतना वो हमारा पूरा हो जाता है, थोड़ा तो इतना करना पड़ेगा ना। मीठा भी पसंद है मैं को। और मम्मी 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 बाकी सबसे फेवरेट चीज केले के भजिए। हाँ वो तो जिस दिन हम पटवानिया गए थे ना, उस दिन चार या पांच नंग मैंने तल के नानी को दिया, तो अच्छे से खा लिया। बोल हमारे पास है ना केले। हाँ। वो कच्चे केले चाहिए, ये पक्के वाले। हाँ तो आज ये बना के देते हैं, वो हमारे घर पे आ रहे हैं और कुछ मीठा बनाते हैं, वो लापसी वापसी टाइप। इसको हमारे कन्वर्सेशन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना है, लेकिन भाई मैं कुछ भी बोलूंगा। हाँ वही ना, तो कुछ भी बोलेगा, उससे अच्छा है तो चुप ही रहे, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी ब्लॉग में आ गया है कि हम दोनों घर पे कुछ भी काम नहीं करते, तो ठीक है हम नहीं करते। आप लेट तक सो रहे थे, अभी बोला तो उसमें गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम गुस्सा ना कर रहे, हम नहीं करते तो नहीं करते, बस सबको दिखा। अभी जो काम हम करते हैं ना वो भी हम नहीं करेंगे। हाँ ये देखा ना, ये मतलब ये होशियारी मार रहे हो ना आप लोग। कोई बात नहीं भाई, सोते रहो। पर्सनल ब्लॉग बनाने वाली हूँ, उसमें मैं दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन क्या क्या करता है। ओह माय गॉड, मेरे को लिंक भेजना, मैं सब्सक्राइब करूंगा। उनके एडिटर विश्वास जोशी वो उनके ब्लॉग में डालेंगे, मैं खत्म खत्म हो गया। नहीं मैं ब्लॉग निकालूंगी, फिर विशु भाई को सेंड करूंगी, विशु भाई वो अपने ब्लॉग में ऐड कर देंगे, उठेंगे तब। विशु भाई कैसे बोल रहे हैं यार, उठेंगे तब। हम ऐसे करते हैं यार, आप तो ऐसे बोले, लोग कमेंट करेंगे रिद्धि पापी उठते नहीं। मैं लास्ट चार दिन से एसी बंद, कितना सिर्फ पांच की बात कर रहा हूँ, मेरे को भाई सबको पता है। झूठ मत बोलो, लास्ट चार दिन से ऐसा हो रहा है हमारे रूम में कितना। हाँ लेकिन चार दिन से ऐसा हो रहा है, लेकिन तीन दिन से तू उठ जा रही थी, आज ही तू लेट तक सोई है। क्योंकि कितना सर दुखता है पता है, पूरा रूम कितना गर्म। वो सुबह इलेक्ट्रिसिटी गई थी ना, उसके चक्कर में मैंने बोला था ना दरवाजे खोलने दे, तूने मेरे को मना किया, फिर भी तो वैसे मैंने खोला, क्योंकि मुझे मान मन नींद आई और आपने दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोला तो पापा नीचे टीवी देख रहे थे, तो मुझे उसकी आवाज आ रही थी। भाई लगता है एसी वाले भाई आ गए, गलत टाइम पे आए, लेकिन क्या करें, भाभी अभी आने वाले और ये भी शायद। हाँ आई जाओ बहू, हमणा मैं तुमने कीधु तो हमारा बा आवे छे हमणा, ये हमणा एम्बुलेंस हमणा जाओ से। जो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी वही हो गई है, एक ही टाइम पर अभी भाभी आएंगे और ऊपर एसी का भी काम चलेगा, तो एक को किसी एक को ऊपर रहना पड़ेगा। तू रहेगा ना ऊपर? हां भाई एसी का काम अभी चालू होगा, मैंने बोला ना सब एक टाइम पे होगा। देखो भाभी आ गए, आ गए बा। जय श्री कृष्ण बाई। बार आइए आराम से, पहला आ जाओ, पति मासी जय श्री कृष्ण। चल से चंपल, चल से एक बार आवी जाओ। अरे ना माथू आवाज वाली बाजू रखो, तो बहुत ठीक लग रहा है। हां
समस्या नाइट करो था बंटी चलो बा ओळखी गया ऋषि कृष्ण बा ओळख्या तो मैं लो बंटी बा जय श्री कृष्ण ओळख्यो मने ओळख्यो बंटू बंटू बिपिन नहीं नहीं बिपिन नहीं बिपिन कैसे बिपिन करने रोई बंटू दोबारा लखू बाय ना भूल जाते हैं तो वंदना नहीं घरे आया विपुल 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 पर नहीं बस सबके नाम बोलेंगे रुको आकाश वंदना नो बंटू नाउ लखू એટલે હવે જોશે બા सबके नाम भूल जाते हैं नहीं बा बा आज वो पापा भी एकदम पहचान लेते हैं मम्मी अभी पापा ये तो इन्हें मन में बसी क्या दीपक ब्याह थे पची के कई जवान हो जे पची के वो मन्ना हाँ ओके थैंक यू थैंक यू सबको पूछ रहे थे किधर जाना है क्या करना है सब इंक्वायरी कर रहे थे बाड़के हुए मने बा इधर मस्त मजे करेंगे सब मासी के साथ रहेंगे इधर हम सबको आशीर्वाद देते रहेंगे और रिद्धि को सीधी करेंगे मैं सीधी हूँ आप सबको सीधा करेंगे ये देखो रिद्धि को कितना प्यार कर रहे हैं बा दुआ से आशीर्वाद मिलता है हम कितने नसीब अरे आशीर्वाद पप्पी भी मिली मुझे अरे तू इधर आ भी और आशीर्वाद देंगे बा सात जन्म होती कोई नहीं दवा ना करनी पड़े रोग ना थाय कोई नहीं पासे जाऊ ना पड़े કોઈ નું ઓછારું ના થવું પડે અને બધાની સાથે સારો મેળ રે એવા મારા દીકરા ને અરે વાહ દીકરા મિલ ગયા ના આશીર્વાદ भाई बा है ना अभी बहुत खुश हो गया हम सबको देख के और बा है ना हमेशा इतने आशीर्वाद देते हैं ये देखो विशु को पप्पी करी बा हमेशा इतने आशीर्वाद देते हैं ना ऐसा दिल खुश हो जाता है बा को मिलकर भाई मैं सबसे छोटा हूँ ना तो इसीलिए ज्यादा प्रेम मिल रहा है बा का बाको जब इधर आना था ना मतलब मम्मी ने जब बात की थी ना कि बाप मेरे घर आना तो बाप बोल रहे थे बेटी के घर तो कैसे जा सकते हो और ऊपर से तू तो ब्राह्मण है क्योंकि मेरी मम्मी के साइड सब पटेल है ना मेरी मम्मी भी शादी से पहले पटेल थी तो भाई वहां पर वो सब बहुत मानते हैं कि भाई ब्राह्मण के घर पर जाकर फिर उधर रहने का उनसे क्या बोलते हैं मेहमान गति करवाने की वो सब नहीं हो सकता लेकिन फिर फाइनली मम्मी ने बाप को कन्विंस कर ही लिया अभी पूरे दिन यही करती रहेगी मम्मी इधर एसी की सर्विस चलेगी विश्व इधर बैठेगा और मैं नीचे जा रहा हूँ बैठेगा ना हाँ भाई बैठूंगा भाई हमने देखो टीवी निकाल दिया है और पियानो भी हटा दिया है ताकि भाई कुछ भी पानी वानी गिरे तो ये सारी चीजें डैमेज ना हो भाई अभी सोफा यहाँ से यहाँ आ गया और बेड यहाँ से यहाँ आ गया ताकि बा मस्त इधर से बाहर भी देख सके और इधर से पूरे रूम पर सबके ऊपर नजर रख सके बाय ना जब भी मेरे को देखते हैं ना हंसने लगते हैं और मम्मी थोड़ी थोड़ी देर में आकर बा को क्या करती है पप्पी पप्पी मम्मी बाकी सबसे छोटी बेटी है और सबसे लाडली बेटी वैसे छोटे सबसे लाडले ही होते हैं ना हाँ ट्वेल्थ नंबर की बेटी पूरे एक डजन में से आखिरी नंग भाई फाइनली एसी का काम हो गया है और अभी कूलिंग भी बहुत जबरदस्त दे रहा है और पियानो उसकी जगह पर रख दिया है वैसे ये हटाया था वो दिखाया था कि नहीं विश्व हमने भाई आज इतना कुछ कर रहा है ना याद नहीं रह रहा है कि भाई क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है क्योंकि भाई आज ध्यान व्लॉग से ज्यादा बाकी सारी चीजों में क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें एक दिन में करनी है ना
तो भाई थोड़ा बहुत होता रहता है। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें किधर कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है, लेकिन भाई ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में क्या आपको दिखाकर परेशान करने का, उसकी वजह से। ठीक है, और अभी विश्व जाएगा ट्यूबलाइट लेने के लिए। ट्यूबलाइट नहीं, वो एलईडी है। वही ना भाई, लेकिन ट्यूबलाइट जैसा है ना अपना एलईडी ट्यूबलाइट, क्योंकि बाद जिधर नीचे है अभी उनका बेड सेट किया ना, उनके बिल्कुल ऊपर लाइट है, तो वो चालू करते हैं ना तो उनके आंख पर आती है। बातों कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमको समझ में आता है ना कि भाई वो उनको दिक्कत देती है। तो भाई दूसरी पीछे ये वाली जो वॉल है ना, जहाँ पर दो दो राउंड लाइट लगी है नीचे, आपको पता होगा, तो भाई वो जगह पर ऐसी बड़ी वाली लाइट लाकर लगा देंगे। विशु तो गया लाइट लेने, और अभी आपको एक खतरनाक चीज़ दिखाऊंगा कि मेरे को अभी करना क्या है। ये देखो भाई, एसी पूरा सर्विस करके गए, तो जितना भी गंदा सारा मलबा निकला है वो इधर है, पूरा गंदा हो गया है, और आपको पता नहीं ये दिखेगा कि नहीं। देखो बाथरूम कितना गंदा है, तो भाई अभी ये मेरे को साफ़ करना पड़ेगा। चलिए भैया, बढ़िया सा बाथरूम साफ़ हो गया, और जितना थकना चाहिए ना, हर बार जितना थकता हूँ ना उससे आज पता नहीं कम थका हूँ मैं, क्योंकि भाई आज जल्दी जल्दी साफ़ हो गया। और भाई मेरे को है ना हमेशा बाथरूम साफ़ करना अच्छा लगता है, मेरा खुद का, बाकी सबका नहीं, तो भाई मेरा बाथरूम हमेशा मैं ही साफ़ करता हूँ, मेरा मतलब हमारा, मेरा और रिद्धि का। कभी कभार है ना ऐसे घर के छोटे मोटे काम कर लेने चाहिए भाई, सारा का सारा प्रेशर क्यों भाई हमारे घर की गृहिणियों पर डालना, मतलब बीवियों पर, मम्मी पर, बहन पर, या फिर हमारी काम वाली आंटी पर। तो भाई ऐसे सब उनके ऊपर प्रेशर डालने से अच्छा है छोटा मोटा हम कर लेंगे तो भाई कुछ हमारा जाएगा नहीं, और भाई अच्छे से जैसे हमारा मन चाहे वैसे हम उसको पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो भाई ऐसा कर लेना चाहिए, जो नहीं करता है ना उसके लिए बता रहा हूँ, जो करता है भाई उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन भाई छोटा मोटा ऐसा काम करने में कोई भी कभी भी अर्ज नहीं रहता। आज विजय शायद घर पे आने वाला है, ऐसा प्लान था। ओ, मम्मी का कॉल है, विजय का नहीं है। चलिए भाई, मम्मी बोल रही है उसको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, मतलब कुछ ग्रोसरी वगैरह छोटा मोटा, तो इसलिए नीचे बुला रही है, तो जो जो मम्मी और रिद्धि बोलेंगे वो मंगवा लेंगे। एंड बाय द वे, ये जो मैंने अभी बोला ना बाथरूम साफ़ करने का, तो भाई ऐसा मत समझना लोग गालियाँ देंगे कि भाई हम काम धंधा छोड़ के बाथरूम साफ़ करें, तो भाई ऐसी बात नहीं है, जब फ्री होते हैं तब की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई काम धंधा छोड़ कर आप बाथरूम साफ़ करो। बताओ जी क्या करना है, रिद्धि किधर गई? ओ नेबर आए, नेबर क्या कर रही है रिद्धि, क्या ऑर्डर कर रही है? आज ना मासी के लिए और हम सब के लिए ना पनीर की सब्जी, क्योंकि वो लोग गार्लिक और वो नहीं खाते ना लसन डुंगली। हाँ, मासी नहीं खाते, हाँ, दोनों मासी नहीं खाते। हाँ, तो एक मासी का तो दोपहर में वो लंच कर लेते हैं, तो आज मैंने आप में विशु भाई मम्मी और वो, तो थोड़ा पनीर सब्जी बना रही और थोड़ा फ्लावर भी बना रही, और इसके लिए मुझे थोड़ा वो चाहिए काजू। मैंने वो बाको बोला, बाजू वाले को आओ हमारे बाको मिलने के लिए, तो मैंने बोला कि हमारे बाके इतने बच्चे, तो वो माँ तो आए देखो मिलने। देखो भाई जो सुनता है ना वो बचक्का रह जाता है, बारह बारह बच्चे। अभी बा है ना यहाँ पर सोते सोते मस्त रामायण देख रहा है, बा को है ना सुनाई नहीं देता अभी, लेकिन देख परफेक्ट सकते हैं बा, ऐसे कुछ भी लिख कर देते हैं ना, ये देखो बा को कुछ भी अगर बोलना होता है ना तो हम यहाँ पर ऐसे लिख कर देते हैं, तो बा पढ़। अरे मम्मी ये क्यों नहीं लिखा जाता? हाँ, तो ऐसे भाई बा को यहाँ पर कुछ भी बोलना हो ना तो यहाँ पर लिखते हैं, और बा वो पढ़ के समझ जाते हैं। लेकिन रामायण एक ऐसी चीज़ है ना कि बा के दिमाग में पूरा फिट है, तो भाई जो भी सीन चलता है ना तो बा को समझ में आ जाता है, हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर चल रही है। तो अभी मैंने बा को ऐसे लिख कर पूछा ना, तो बा को वो भी पता है कि क्या चल रहा है ना। इष्ट देव रामचंद्र भगवान है। हाँ, वाह भाई वाह, जैसे हमारे इष्ट देव एकलिंग जी दादा है ना, वैसे बा के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान। आपको पता है हमने ना राम भगवान की फोटो भी मंगा ली, बाकी ये बहुत बड़ी, मेरे विश्व को बोला अभी लेके आओ। हाँ हाँ, बाकी है ना यहाँ पर देख कर है ना ऐसा एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ भी होता नहीं। देखो अभी श्रवण को बाण लगा ना, वो सीन चल रहा है, और बा देखो कितने ध्यान से देख रहा है। वाह जी वाह, लड्डू किसने भेजे रिद्धि? ये भाभी ने भेजे, बाप जहाँ पहले गए थे ना मासी के यहाँ पे, बड़े सबसे बड़े मासी के। हाँ, और ये वाले गुड़ के और ये वाले शक्कर के है ना, लाइट वाले शक्कर के। मेरे को वैसे गुड़ वाले लड्डू अच्छे लगते हैं, शक्कर वाले कम पसंद है, विश्व को शक्कर वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी भाभी ने भेजा है तो भाई प्यार से इतना तो भाई खाना तो पड़ेगा। तो थैंक यू ज्योति भाभी, ये हमारे सबसे बड़े वाले मासी के छोटे लड़के की वाइफ, यानी मेरे भाभी, वो वाले भाभी ने भेजा है। इतना बड़ा मेरा आपको पता ही है ना कजिन का लिस्ट कितना लंबा है, तो भाई आप कंफ्यूज मत हो ना, लेकिन भाभी ने भेजा है वो समझ जाना। बाका है ना हमेशा का है, उनको कभी भी कुछ भी खिलाते हैं ना तो सबसे पहले पूछते हैं सबने खाया कि नहीं। अभी मैं लड्डू खिला रहा हूँ ना बा को थोड़ा सा, तो बा मेरे को मना ही कर रहा है। बा नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा बा
पची खाओ ने पची खाई क्यों ऐसा बोल रहे हैं पता है? आप सबने नहीं कहा ना इसके नहीं लिए। जब से आए तब से ऐसे बोल रहे थे कि बंटू विशु दीपक कुमार सबको खिलाना बाद में मुझे खिलाना ऐसे बोल रही थी। तू खा तो थोड़ी पची खा सर खा तो पप्पा ने खावानू खा तो हाँ ये तो मने नहीं पप्पा ने खवड़ावानू पहला बावे खाओ थोड़ा 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 बस अशीता थैंक यू ये ले रिद्धि आ गए तेरे काजू भाई स्विगी से मैंने बाकी लिए उनकी फेवरेट चीज मंगवाई है डन डन अभी नहीं खाना बहाने बनाने थी गाऊ मम्मी है ना बीच में बाकी लिए स्पेशल लेकर आई थी लेकिन गाँव जाने से पहले ना फ्रिज में ही भूल कर चली गई थी और हमने रास्ते में से ले ली थी पर बाकिया बोलते हैं इसको पता है मुट्टो चॉकलेट मुट्टो चॉकलेट बाका भी पूरा ध्यान है ना रामायण में ही है और इधर बहुत इमोशनल सीन्स चल रहा है तो भाई बाको भी कुछ भी नहीं खाना कुछ भी नहीं पीना मारवाड़ी आजा तेरे को बहुत मस्त होलसेल में आशीर्वाद दिलाता हूँ और देखो मैंने लिख कर इधर रखा है मैंने ऐसा लिखा है कि ये मेरा दोस्त है और इसको आशीर्वाद दो बा સારું થઈ જાય એવું થાય એ ભગવાન એવા આશીર્વાદ આપો અને મળી ગયા ડાયરેક્ટ ભગવાન સે કોન્ટેક્ટ ભગવાન કો બોલા કે ઇસકો આશીર્વાદ એસે દો જો જો બોલે જીને લે આતા ઉડતા હા જુઈ ભાભી ને લાવો નાની કે બાલ હે ના સબ એકદમ વ્હાઈટ હો ગયે થે અભી સબ કાલે હોને લગે હા મતલબ ધીરે ધીરે વ્હાઈટ કે સાથ સાથ અભી બ્લેક બાલ ભી આને લગે હા બિલકુલ યાર યે 100 સાલ કે બાદ વો સિસ્ટમ રિફ્રેશ હોતી હે ના વૈસા હો ગયા હે ઇસકો ડાયાબિટીસ નહીં હે બીપી નહીં હે કોલેસ્ટ્રોલ નહીં કુછ ભી નહીં કોઈ રોગી નહીં હે બિલકુલ કિતની અચ્છી બાત હે भाई दादी की इतनी उम्र है फिर भी उनको कोई मतलब ना डायबिटीज ना क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं एक भी गोली नहीं खाती सिर्फ बाको इतनी एज होने के कारण सुना ही नहीं देता वो तो आम सी बात है सारी जरूरत तो वधने पड़े नहीं जमाना में गमे का पैसा हो तो खोट तो आवे खोट आवे तो ये वो कहवानो કે મારા કાશીબાએ ભક્તિ હારી તમારી કરી હોય તો 8,000 નું કામ થઈ જાય 50,000 90,000 સુધી કરવાનું પછી નહીં કહેવાનું પછી લોભ કહેવાય મતલબ બા એસા બોલ રહે હા કે ભગવાન સે પ્રાર્થના કરને કી અગર બા ને આપકી સચ્ચી ભક્તિ કરી હે ના તો ભગવાન મેરા ઇતને હજાર કા કામ નિકલવા દો રસોઈ આપણે ઘેર કોઈ હાજી ચા આવી પડ્યા હોય તો આપણાથી બધું કહી છે આપણે સાધન દેવા જઈએ તો ભગવાનને કહીએ કે ભગવાન મારે 8,000 રસોઈ બનાવી છે તે બની જજો તે બની જશે તે ચમચી ડીસો ગ્લાસ આસન બધું જ આવીને પડશે કઈ જો કિસી કો નહીં મિલતે મેરે નસીબ મેં મેં આજ આ ગયા હાં નરસિંહ મહેતા ના ઘરે જીતું યે દેખિયે ભાઈ પાપા બહાર જા રહે ઉનકો ક્યા બોલતે ઇન્વિટેશન હૈ કિસ ચીઝ કા ખાને કા લેકિન ક્યા ખાને કા ક્યા ખાના હૈ પાપા खिचड़ी बाजरी की खिचड़ी वो कैसी आती है भाई पता नहीं वो तो हमको खाने का रोटला पता है ये खिचड़ी कैसी आती है पता नहीं भाई लेकिन पापा का जो मंदिर ग्रुप है ना वहाँ से उनको इनविटेशन आया है तो पापा वहाँ जा रहे हैं मम्मी को भी इनविटेशन था लेकिन मम्मी तो बाकी के साथ बिजी है तो अभी सिर्फ पापा जा रहे हैं चलो जय श्री कृष्ण जल्दी आना क्या घड़ी भूल गए जा भाई लेकर आ क्या हुआ ए बाबा की स्मार्ट वॉच है ना तो यहाँ पर क्या लिखा है पता है अंदर द वॉरियर मैंने बोला कि किस एंगल से लग रहे
बाय बाय, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। धीरे एक टाइम था जब पापा हम लोगों को बोलते थे कि भाई धीरे चलाओ, अभी हमको बोलना पड़ता है भाई। ये लो जी, मेरे एक और मासी आ गए बाको मिलने के लिए। क्या दीदी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अरे मासी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मासा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। जय श्री कृष्ण मासा। आओ वेद, ए वेद, ये देखो ये मेरे कजिन का लड़का है। हेलो, हाय कर, बताने बोल तो करो शर्माई से। तो अभी विजय जाएगा उसके घर और हम लोग बाकी साथ बहुत सारी बातें करेंगे। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और स्पेशली हमारी नानी को मिलकर आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताना। तो बस मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय करो। शर्मा रहा है। बाय बाय। चलो भाई, सबकी तरफ से बाय बाय।